नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राष्ट्रगान गाकर वीर शहीदों को याद किया। भारत को आत्मनिर्भर और एकता कायम रखने की शपथ भी दिलाई गई है। 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 पौधे लगाए हैं। मुख्य रूप से पंचायत अधिकारी राजेश श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत सिहासा सरपंच नारायण चौहान, उप सरपंच ऋषि कुमार राठौर, भीम सिंह राणा, जिला कांग्रेस संगठन मंत्री अजय शर्मा, युवा कांग्रेस महासचिव अल्केश ठाकुर, जिला कांग्रेस महामंत्री दिनेश आर्य, जनपद सदस्य मुकेश यादव, राजा सोलंकी रवि वर्मा, अशोक तोमर, रुपेश परमार, दिलीप परिहार, अमजद पटेल, राम निवास चौहान उपस्थित। वर्ष है ना पूर्ण होने वाले 15 अगस्त है ना, तो इसके ना उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ना पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमें ना जो भारत के जितने भी वीर शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साथ में अपने सैनिक जो भी भारत माता की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने प्राण दिए या जिन्होंने अपनी ओर से योगदान दिया उनकी याद में और है ना उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम का ना आयोजन किया गया है। इसमें मूलतः है ना हमें है ना ध्वजारोहण करना है, राष्ट्रगान भी गाना है, साथ में है ना हमें है ना 75वीं वर्षगांठ है इसलिए 75 है ना पौधे भी लगाने हैं और साथ साथ में हमने प्रभात फेरी और है ना माहौल बनाने का काम करना है और लोग है ना ताकि लोग है ना अपने जिन्होंने इस देश की धरती के लिए अपने प्राणों की ना आहुति दी उन्हें हम नमन कर सकें और है ना उनको अपनी ओर से सच्ची है ना श्रद्धांजलि दे सकें। आपका परिचय? मेरा परिचय राजेश श्रीवास्तव, पंचायत समन्वय है ना अधिकारी। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।